अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड आई एम योर मैथ टीचर मिस वरीशा। नाउ वी स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। नाउ प्लीज ओपन द पेज नंबर 97। सो आज हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन हम सिर्फ तीन करेंगे, 2, 3 एंड 10। ओके, अपने एक्सरसाइज नंबर 2E की हम तीन वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सो पहली वर्ड प्रॉब्लम क्या है? रमेश बाइस 46 गोल्फ बॉल्स, ही पैक्स 8 ऑफ देम इन 1 पैकेट। हाउ मैनी पैकेट डज ही मेक? हाउ मैनी गोल्फ बॉल आर लेफ्ट ओवर? रमेश ने गोल्फ बॉल्स खरीदी कितनी? 46, और उसने उसके पैकेट बनाए और हर एक पैकेट में उसने 8 बॉल्स डाली। सो अब हमने ये मालूम करना है कि उसने कितने पैकेट बनाए हैं और कितनी बॉल्स उसके पास बाकी रह गई हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, डाटा बनाएंगे। डाटा में हम लोग क्या लिखेंगे, गोल्फ बॉल्स कितनी है उसके पास टोटल? 46 बॉल्स इन 1 पैकेट। एक पैकेट में रमेश ने कितनी बॉल्स डाली थी? 8 बॉल्स इन 1 पैकेट, 8 आ जाएगा यहाँ पे। पैकेट ऑफ बॉल्स हमने मालूम करना है। यहाँ पे हमने दो चीजें मालूम करनी है, ठीक है? पैकेट ऑफ बॉल्स के कितने पैकेट बने और दूसरा कितनी बॉल्स रह गई। गोल्फ बॉल्स आर लेफ्ट। डिवाइड करते हैं, सॉल्व लिखेंगे यहाँ पे। जब भी हम डिवाइड करते हैं तो बड़ी वैल्यू हमेशा अंदर लिखते हैं और छोटी वैल्यू हमेशा बाहर लिखी जाती है। बड़ी वैल्यू क्या है? 46, और 8 छोटा है तो वो बाहर आ जाएगा। अब मुझे बताइए, 8 के टेबल में 46 आता है? नहीं आता, लेकिन उससे छोटा क्या आता है? 40। 8 5 40, यहाँ पर 40 आ जाएगा। सो 46 में से जब हम 40 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 6। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक आंसर है हमारा और एक हमारा रिमाइंडर है। जो हमारा रिमाइंडर है वो उसका आंसर है कि रमेश के पास कितनी बॉल्स रह गई थी, और जो हमारा ऊपर वाला आंसर है वो पैकेट हैं। आंसर को कैसे शो करेंगे? पैकेट्स ऑफ बॉल्स, कितने पैकेट बने बॉल्स के? 5। गोल्फ बॉल्स आर लेफ्ट, कितनी बॉल्स रह गई थी? 6। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर है, इसको हम बॉक्स में करके लिख देंगे। अब नंबर 2 करते हैं। देयर आर 34 चॉकलेट्स इन अ पैकेट, सीमा wants to eat equal amount in 5 days. How many chocolates will she eat daily and how many will be left over? हमारे पास चॉकलेट के 34 पैकेट्स हैं और सीमा 5 days में इक्वल अमाउंट में चॉकलेट्स खा रही है। तो हमने दो चीजें मालूम करनी है कि वो डेली कितनी चॉकलेट खाती है और अब कितनी चॉकलेट्स बाकी रह गई हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, डाटा बनाते हैं। चॉकलेट्स इन अ पैकेट, कितनी चॉकलेट्स है हमारे पास? 34। देखिए क्वेश्चन में 34 है ना, सो हमने यहां लिख दिया ईट इक्वल अमाउंट इन 5 days, और वो 5 days में चॉकलेट्स को इक्वल अमाउंट में खा रही है। ईट इक्वल अमाउंट इन 5 days, क्या मालूम करना है? चॉकलेट शी ईट्स डेली ये हमने मालूम करना है। चॉकलेट विल बी लेफ्ट ओवर, और कितनी चॉकलेट्स रह गई हैं हमने वो भी मालूम करना है।
ये हमारा डाटा बन गया है। दो चीजें मालूम करनी है, चॉकलेट शी ईट्स डेली, वो कितने चॉकलेट खाती है डेली, और कितने चॉकलेट्स उनके पास रह गई हैं। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी देखिए दो वैल्यूज आपको दी हुई हैं, एक 34 है और एक 5 है। डिवाइड में क्या होता है, जो बड़ी वैल्यू होती है वो हमेशा अंदर लिखी जाती है, यानी कि 34 अंदर आ गया, और छोटी वैल्यू क्या है, 5। 5 हमारा यहाँ पर आ गया। 5 के टेबल में 34 आता है, नहीं आता, लेकिन उससे छोटी क्या वैल्यू आती है, 30। 5 6 30, 34 - 30 = 4। सो अब आंसर कैसे लिखेंगे, 6 चॉकलेट्स शी ईट्स डेली, कितनी चॉकलेट्स खाती है वो, 6, और जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या है कि उसके पास कितनी चॉकलेट्स बाकी रह गई हैं, वो हमारा रिमाइंडर है, 4 चॉकलेट्स विल बी लेफ्ट। ठीक है, दो चीजें हमने मालूम करनी थी और वो हमने मालूम कर ली हैं। ये वो वाली वैल्यू है कि उसके पास के वो टोटल दिन में कितनी चॉकलेट खाती थी, और ये वो वाली वैल्यू है कि उसके पास टोटल कितनी चॉकलेट्स बाकी रह गई। ये है हमारा आंसर, बॉक्स में करके आंसर को लिख देंगे। अब नंबर 3 पार्ट करते हैं। 910 सोल्जर्स मार्च्ड इन द परेड ग्राउंड इन 7 रोज, हाउ मैनी सोल्जर्स वर लेफ्ट वर देयर इन ईच रो। 910 हमारे पास सोल्जर्स हैं जो कि रोज में खड़े हुए हैं, कितनी रोज है, 7 रोज हैं। डाटा बनाते हैं, हमने ये मालूम करना है कि एक रो में कितने सोल्जर खड़े हुए हैं। क्या करेंगे, टोटल सोल्जर कितने हैं हमारे पास, 910 सोल्जर्स इन अ परेड, कितने सोल्जर हैं, 910, और रोज कितनी है हमारे पास, रोज इन अ परेड 7 रोज हैं। यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। देन हमने मालूम जो करना है हम वो लिखेंगे, क्या मालूम करना है, सोल्जर्स इन ईच रो, हमने ये मालूम करना है कि एक रो में कितने सोल्जर्स हैं। जो हमने मालूम करना होता है इसके आगे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। सॉल्व करते हैं। आप जो बड़ी वैल्यू क्या है, 910, ये अंदर आ जाएगी, और छोटी वैल्यू क्या है, 7, ये बाहर चली जाएगी। अब एक एक वैल्यू करके सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास बहुत बड़ी है, 3 डिजिट है ना, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले 9 को करेंगे, 7 के टेबल में 9 नहीं आता, लेकिन इससे छोटा क्या आता है, 7, 7 1 7, 9 में से हमने 7 को माइनस करा तो कितने हमारे पास बाकी रहेगा, 2। अब 2 तो 7 के टेबल में नहीं आता, सो अब हम क्या करेंगे, इस वाले 1 को नीचे ले आएंगे। 7 के टेबल में 21 आता है जी, 7 3 21, 9 भी सॉल्व हो गया, 1 भी सॉल्व हो गया, अब क्या रह गया, 0। 0 को हम यहाँ लिखेंगे एंड 7 0 0, सो हमारा आंसर क्या आया है, 130। एक रो में 130 सोल्जर्स हैं। ठीक है, आंसर लिखते हैं, 130 सोल्जर्स, यह है हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने 3 वर्ड्स प्रॉब्लम करे हैं। हमारा यूनिट नंबर 2 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ये तीनों आप लोगों ने कॉपी में करने हैं, एक दफा मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, पहले वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास ये है, बुक में भी मौजूद है, आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, और सॉल्व आप लोग यहाँ से देख के कर सकते हैं। नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम हमारी ये रही, आप लोग देख लीजिए और कॉपी कीजिए। और नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम ये रही। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा यूनिट नंबर 2 नंबर ऑपरेशन कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये यूनिट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।